ये अमेज़ोन की साइट से मैंने एक आइटम परचेज़ किया था, सही टाइम पर उन्होंने ये पैकेज डिलीवर कर दिया। आइटम था बेस्ट वे का सिंगल इन्फ्लेटेबल मैट्रेस। इस बॉक्स को ओपन करते हैं और मैट्रेस इस तरीके से तय किया हुआ प्लास्टिक में लिपटा बॉक्स के अंदर था। वज़न इसका तकरीबन 5 kg है। प्लास्टिक इसका उतारते हैं। ये फ्रंट का जो फेस है वो इसकी फैन मोटर है। इसको अनफोल्ड करने पे ये इसकी मेन्यू बुक है और ये येलो स्टिकर, अगर कहीं से थोड़ा बहुत ये मैट्रेस पंचर हो जाए उस पे ये लगाया जा सके। इसको फुली अनफोल्ड करते हैं। फैन मोटर के साथ एक छोटा सा कंटेनर है जिसके अंदर इसकी पावर केबल है, जिसको मैं पावर एक्सटेंशन के साथ अटैच करता हूँ। इस फैन मोटर के ऊपर एक गोल सा नॉब है जिसके ऊपर इस मैट्रेस में हवा दाखिल करने का निशान है और नॉब के नीचे इस मैट्रेस से हवा बाहर निकालने का निशान है। फैन मोटर चलाते हैं और देखते हैं इस मैट्रेस में कितनी देर में हवा भरी जाती है। वीडियो को मैं फास्ट मोड पर करता हूँ ताकि टाइम बचाया जा सके। फैन मोटर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा इसमें इतनी हवा भर चुकी है कि इस मैट्रेस के ऊपर बैठा जा सके। फैन मोटर ने हवा भरने में तकरीबन 1 min 23 s लिया है। इसके बॉक्स पेपर जो इसके बेड का साइज मेंशन किया हुआ था वो मैंने चेक किया और बिल्कुल सेम है। अभी फैन मोटर को वापस चलाते हैं और इस दफ़ा नॉब नीचे करता हूँ ताकि हवा बाहर निकाली जा सके और देखते हैं कितना टाइम लेता है ये हवा बाहर निकालने में। तकरीबन इसने 1 min 53 s लिया जबकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चलाया इसको। पावर केबल को वापस लपेट कर इसके कंटेनर में वापस डालते हैं। और मैट्रेस को फोल्ड करके इसे बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि इसके साथ वो कोई कैरी करने वाला बैग तो दिया नहीं, जो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मुझे अपने से कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।